तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इन मोमेंट डेटा यहाँ पर अगर आपके में शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अप्रूवल है वह जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर अनअपलोडेड पैकेट हैज़ बीन रिसीव, ये प्रॉब्लम भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं अनअपलोडेड रिचेज हैं। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको जो है सर्विस को ओपन करना है, और यहाँ पर थर्ड में आप देख सकते हैं OTA अपलोडेड, यहाँ पर देख सकते हैं OTA अपलोडेड को स्टॉप करना है, और फोर्थ वाले में इसे भी आपको जो है स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद आपको करना है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको जो है सी ड्राइव पर चले जाना है। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको जो है नीचे देखेंगे UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको जो है आधार एनवायरनमेंट क्लाइंट पे जाना है और डेटा को ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ पर पैकेज ऑटो जो है शो कर लेने के बाद आपको जो है राइट क्लिक करना है और रिनेम कर देना है, और यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो है ऑटो के बाद आपको डॉट ओल्ड टाइप करना है, डॉट ओल्ड। इतना करने के बाद इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और रिनेम आपको जो है फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर देंगे जो कॉपी किए थे, उसके बाद इसे सेव कर देंगे। और आपको ओल्ड वाले में जाना है, ओल्ड वाले को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फोल्डर शो कर रहे हैं, यहाँ पर उसमें से आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं। नीचे से आपको जाना है, और यहाँ पर आपको जो है कुछ को छोड़कर बाकी सभी को आपको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करके इसे जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जो बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जो पैकेट ऑटो पे ओपन करके इसमें आपको जो है पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट होने के बाद आपको करना है कि यहाँ पर आपको जैसे बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको जो है व्यू एनवायरनमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो है सर्विस पे जाना है और OTA अपलोड पे आपको जो है इसे स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको नीचे में भी QSSITV है, इस पर भी आपको जो है स्टार्ट कर देना है। तो आपको जो है यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करना है, और व्यू एनवायरनमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अपलोडेड यहाँ पर हमारा अप्रूवल जो है यहाँ पर अपलोड नहीं हो गए हैं। तो आपको जो है तो आप अगर आपके में इस प्रकार से कर है शो कर है तो आपको करना क्या है, आपको फिर से आपको सी ड्राइव में जाना है, और यहाँ पर पैकेज पैकेज में से आपको जो है ऑटो पैकेज पैकेज ऑटो को आपको पूरा सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको जो है इसे डिलीट कर देना है। आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट ई डिलीट करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देना है आपको। डिलीट कर देने के बाद इसे बैक कर देना है। बैक आने के बाद आपको फिर से ओल्ड पैकेज पे जाना है, और यहाँ पर आपको जो करना क्या है, आपको बीच में से आपको जो है आधे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको जो है पैकेज ऑटो पे जाना है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको सर्विस पे जाना है और इसे स्टॉप कर देना है, OTA अपलोड को स्टॉप करना है, और आधार QSSITV को भी स्टॉप करना है, और यहाँ पर आपको जो है पेस्ट कर देना है। तो चलिए पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इसे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो है एक बार हम इसे रिलोड कर देते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर 00 सब शो कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो है सर्विस पे आने के बाद आधार की वेट अपलोड हम जो स्टार्ट कर देते हैं, और नीचे वाले में QSSITV इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको जो है फिर से रिलोड करेंगे। आप जैसे रिलोड करेंगे आपको जो यहाँ पर नीचे में इन्वायरमेंट व्यू डिटेल नहीं शो कर रहा था, यहाँ पर शो करना लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है इन्वायरमेंट डिटेल जो है शो कर रहा है दोस्तों इस प्रकार से। तो अगर आपको जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो इस वीडियो का लाइक एंड शेयर जरूर करें, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर
इनरोलमेंट डिटेल और क्या बोलते हैं ऑफलाइन अपडेट भी यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे आप यहाँ पर डिटेल शो हो गया तो यहाँ पर आपका जो है ऑनलाइन अपडेट ऑफलाइन अपडेट भी यहाँ पर शो करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट आ गया और ऑफलाइन अपडेट भी यहाँ पर शो करने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ऑफलाइन अपडेट किए हैं यहाँ पर शो करने लग गया दोस्तों।